इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेवियर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का करने जा रहे हैं, जो ए एसिड है इन द फ्यूज और एक्वा सोल्यूशन स्टेट। ठीक है, तो अगर ए जो है, ए दैट इज एसिड बेस और सॉल्ट, ए की जगह हमने कोई भी एसिड या बेस या सॉल्ट ले लिया है, ठीक है, तो वो या तो फ्यूज स्टेट में यानी कि मोल्टन स्टेट में है, या तो वो एक्वा सोल्यूशन स्टेट में है। तो अपैरेटस ले लिया तुमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन कंपाउंड, तो एक्स क्या है यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हारा येलो कलर की लिक्विड दिख रही है, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और जो भी तुमने इसमें से तीनों में से कोई एक कंपाउंड लिया है उसका, और वाई क्या है ये इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, दो प्रोसीजर, द गिवन कंपाउंड ए दैट इज एसिड बेस और सॉल्ट इन द फ्यूज और एक्वा सोल्यूशन स्टेट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट एंड द करेंट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिलता है हम लोगों को, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज इंडिकेटेड बाय द ग्लो ऑफ द बल्ब। हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है एक्चुअली सर्किट में से, तब हम लोग जब यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर देंगे और ये चलने लगेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी है तुम्हारा एसिड है बेस है सॉल्ट है, वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हारा बल्ब जो है वो ब्राइट जो बहुत है ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, और अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बहुत डिम ग्लो करेगा। ठीक है, बहुत हल्की सी आइडियाज लगेगा कि बस कुछ नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा ही नहीं तो ये बल्ब चले जाएंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो या तो हम फ्यूज स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके अंदर जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर के आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह जाते हैं और कुछ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। फिर इनके बीच का डिफरेंस बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो गए, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, इसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ये देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में है, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक एसिड। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनको हम लोग जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड्स होते हैं। फिर वीक बेसिस में कौन सा आता है, वीक बेस इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो याद करना पड़ेगा। एसिड में तुम याद कर सकती हो कि जो ऑर्गेनिक होते हैं वो वीक होते हैं, इसमें तुमको एसिड तो मुझे याद है, जैसे जिसमें H2SO4 हो, जिसमें HCl हो गया, NO3, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं, तो वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट्स में ये वाले वीक होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, लेड एसिटेट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में कौन से आ गए, लेड ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब वो भी होता है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज विद विच द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म आयंस, दे आर अरेंज्ड द सीरीज नोन एज मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम मेटल एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो टॉप ऑफ द सीरीज में जितने भी मेटल प्रेजेंट होंगे वो बहुत रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। ठीक है, उनको ना हीट करने की जरूरत पड़ेगी, ना वाटर को हीट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे वो वाटर के या मॉइस्चर के यानी कि एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उनके भी कॉन्टैक्ट में आए तो रिएक्ट कर जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जितने जो लोअर सीरीज में होते हैं वो दे आयोनाइज लीस्ट रेडली, यानी कि वो बहुत देर में रिएक्ट करते हैं, उनके लिए हम लोग को बहुत सारे कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे उनको रिएक्ट करने के लिए। सोडियम,
है ऊपर होता है क्या शिव के तो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज से क्या समझेंगे कि ये जो ऊपर तुम्हारे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे ठीक है और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ठीक है ऑलमोस्ट तुम समझ सकते हो कि इसी तरीके से होता है उसका ट्रेंड लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है तो उनको अलग से याद करना पड़ेगा ठीक है तो ये के हो गया सी ए हो गया एच के नीचे जितने भी आते हैं वो सारे एच को रिप्लेस नहीं करते हैं ठीक है ये समझने की बात हो गई फिर आता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस देखते हैं टर्म द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो आयंस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होते हैं यानी कि इसको पहले डिस्चार्ज करेंगे और इसको बाद में उसको हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिव डिस्चार्ज क्यों होता है ऐसा रिलेटिव पोजिशन ऑफ द कैटायन और एनायन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनायन और कटायन की जैसी पोजीशन रहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस हिसाब से सेलेक्टिव डिस्चार्ज होता है ठीक है लोअर द पोजीशन ऑफ द आयन फॉर्मिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ग्रेटर द टेंडेंसी टू बी लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तो वो जो आयन है चाहे वो एनायन हो या कटायन हो वो जितना लोअर प्लेस्ड होगा जितना नीचे प्लेस्ड होगा वो उतनी पहले निकलेगा ठीक है उतनी पहले डिस्चार्ज होगा लोअर द पोजिशन ऑफ द आयन ग्रेटर द टेंडेंसी टू बी लिबरेटेड डिस्चार्ज ऑफ कटायंस एंड एनायंस एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कटायंस कटायंस में किसका होता है Cu2+ और H1+ माइग्रेट टू कैथोड Cu2+ आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड ठीक है तो ये दोनों के दोनों आयंस जो होते हैं वहाँ जाते हैं लेकिन Cu2+ आयन ही बस डिस्चार्ज होता है कैथोड पे क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें इसीलिए उसकी तरफ कौन से वाले जा रहे हैं पॉजिटिव आयंस ठीक है
कटायंस। फिर एनोड क्या होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उसकी तरफ कौन से आ रहे हैं, नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एच प्लस गेन्स मोर इजली देन एन ए प्लस, गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर इजली देन एन ए प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये भी तो लिबरेट हुआ था एन ए प्लस, और ये भी हुआ था, लेकिन कैथोड पे एच प्लस ही बस क्यों जा रहा है, दोनों ही तो पॉजिटिव है, इसलिए जा रहा है, यानी कि एच प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाँ एन ए से ज़्यादा, इसीलिए ये जा रहा है। ओ एच माइनस प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू लोअर पोजिशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर एनोड पे तुमको क्यों इसका बिहेवियर मिल रहा है, क्योंकि पहला वाला क्या रूल था कि जितना ज़्यादा लोअर पोजिशन होगा उसका रिएक्टिविटी सीरीज पे, केमिकल एक्टिविटी सीरीज पे, उतना ज़्यादा उसका लिबरेट होने का चार्ज है। तो ओ एच माइनस देखो बहुत नीचे प्लेस्ड है, ये मेटल कटायन का है एक्टिविटी सीरीज, ये एनायन का है, सबसे नीचे प्लेस्ड है, इसीलिए इसका ज़्यादा लिबरेट होने का चांस है। अब समझ में आ गए दोनों, लिबरेट वही उसका मतलब कि उस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाने का टेंडेंसी, ठीक है, जैसे एच प्लस गया था कैथोड के पास, कैथोड अगर मान लो एक और हुआ है इसमें एन ए प्लस है, सी एल माइनस डिस्चार्ज हुआ है, इसमें क्या था डाइल्यूट एन ए सी एल सोल्यूशन था, ठीक है। डाइल्यूट एन ए सी एल सोल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें पहले से पानी मिलाया गया है, अब अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एन ए सी एल सोल्यूशन ले लें तब क्या होगा, ठीक है, जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है, तो दोनों पहले डिसोसिएट हुए, ठीक है। अब देखते हैं कैथोड के पास कौन कौन से गए, एन ए प्लस भी गया और एच प्लस भी गया, ठीक है, और एनोड में क्या हुआ, एनोड में क्लोरीन भी गया और OH- भी गया। डिस्पाइट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ए प्लस एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस गेन्स मोर इजली देन एन ए प्लस, तब ये तुम्हारा एक एक्सेप्शन दिया हुआ, उन्होंने इसका कोई रूल तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए प्लस भी गया इसमें और एच प्लस भी गया, बल्कि यहाँ पे एन ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, लेकिन तब भी यहाँ पे एच प्लस को ज़्यादा चांस मिल रहा है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर क्लोरीन को यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा, ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयंस, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन आयंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, इसीलिए कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, एनोड पे क्लोरीन इवॉल्व होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें क्या था कि NaCl दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वाटर से, लेकिन एंड कैथोड पे H+ को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि ये एक ऐसे एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन एनोड पे वही होगा जो रूल के हिसाब से, यानी कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो क्लोरीन ही लिबरेट होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड डिटरमाइंस द प्रेफरेंशियल आयन। अब जिस तरीके का इलेक्ट्रोड है वो भी डिफाइन करता है कि कौन कौन से आयन को वो सेलेक्ट करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, नोबल गैस कोई ले के रखा हुआ है या अनरिएक्टिव मेटल ले के रखा है, तो वो किसको प्रेफर करेगा, आयरन ग्रेफाइट और प्लेटिनम डू नॉट टेक पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, यानी कि जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगी तो ये दोनों तीनों नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, ये तीनों नहीं बनेंगे इलेक्ट्रोड्स। और अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो कॉपर निकल और सिल्वर को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे तो ये तीनों नहीं बन पाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड पे, और अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो सब कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो कॉपर निकल और सिल्वर को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर का हम लोग देख लेते हैं, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने लिया हुआ है और उसमें हमने कॉपर भी इलेक्ट्रोलाइट में कहीं पे इसके आयंस प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अगर मान लो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स में हमने कॉपर ही ले रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, तो जब रिएक्शन होगा तो तुमको प्रोडक्ट में हमेशा कॉपर आयंस मिलेंगे, ठीक है, एच प्लस आयंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ क्योंकि किसको प्रेफरेंस मिलता है, कॉपर को प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा मेरे ख्याल से रिएक्ट करता है, कॉपर इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड था वो एक्टिव इलेक्ट्रोड था, एक्टिव इलेक्ट्रोड हमेशा इन तीनों को प्रेफरेंस मिलता है।
में याद करना पड़ता है। फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड आता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम होता है, ठीक है, ये सारे नोबल मेटल्स हैं। तो इसमें तुम मान लो यही जो सोल्यूशन था इसी के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, इसमें भी इलेक्ट्रोड में क्या है, कैथोड जो है वो कॉपर का है, एनोड जो है वो प्लैटिनम का है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड, तो रिएक्शन एनोड में तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोड इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज कॉपर, निकल या सिल्वर। तो यानी कि जो तुम्हारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं कॉपर, निकल और सिल्वर, तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, द एनायंस माइग्रेट टू द एनोड बट आर नॉट डिस्चार्ज। जितने भी एनायंस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगी, यानी कि कलेक्ट नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। और जब इंस्टेड द एक्टिव इलेक्ट्रोड इटसेल्फ लूजेस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स एट द एनोड, यानी कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से थे, एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर, निकेल और सिल्वर, कॉपर निकेल और सिल्वर, तो उनको हम जब भी इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो वहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आयंस जाएंगे वो इकट्ठा नहीं होंगे, उस पर कलेक्ट नहीं होंगे, कैटायंस जाएंगे, एनोड है ना, प्लैटिनम
तो ये खुद नहीं रिएक्ट करते हैं आकर के, ठीक है। इसीलिए जनरली आइडियली हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता था, ये अपने खुद के बनाने लगते थे, अपने आयन, हाँ अपने खुद के आयन्स